Good morning, friends. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का जब काइनेटिक्स का पार्ट है वो पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे थे और काफी कुछ पढ़ चुके थे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन है, किस तरह उसमें दो तरह से इक्वेशन आती हैं जिसमें एक में तो जो रिएक्टेंट है वो सेम होता है और दूसरे में रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं, तो दोनों के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं वो अलग अलग है। और उसके बाद हम उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दोनों का डिफरेंट था और यूनिट देख लिया था हम रेट कॉन्स्टेंट का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और उसके बाद हम बात करने वाले थे हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, वहां हमने छोड़ा था लास्ट क्लास को, तो जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो ये तभी इस हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस है जब हम बात करें कि जो रिएक्टेंट है वो दोनों सेम हो। अगर अलग अलग रिएक्टेंट होंगे तो उनके लिए हाफ लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो हाफ लाइफ कैसे रिलेटेड होती है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपन स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपको जस्ट अ मिनट। तो ये हमने स्लोप देख लिया था, दोनों की समानता अलग अलग हुई, सब देख चुके थे हम इंटीग्रेशन रिएक्शन, डिफरेंशियल जो रिएक्शन आता है उनका इक्वेशन आता है सॉरी, उसका ढाल क्या होता है, ग्राफ किस किस के बीच खींचते हैं और कैसे हम करेक्टरिस्टिकली पहचानते हैं कि ग्राफ से कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ के जैसे मैंने कहा कि जब भी महत्व जबकि क्रियाकारक समान हो, अदरवाइज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज हम थोड़ा हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ में जैसे हमने ऊपर देखा था कि हाफ लाइफ का मतलब है कि वह टाइम जबकि क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाए, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो हमने इसके लिए ये हम पहले जो समाकलित वेग समीकरण है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जबकि क्रियाकारक समान हो, उसको हम देखते हैं। ये वो रिएक्शन है, समाकलन वेग रिएक्शन है, समीकरण है जबकि क्रियाकारक समान हो। तो यहां पर जब हाफ लाइफ की हम बात करते हैं तो दो चीजें रखनी, तो टी इज इक्वल टू टी हाफ, ओके, टी इक्वल टू टी हाफ, क्योंकि टी है वो हाफ लाइफ को ले लिया हमने। और दूसरा जो चेंज होता है जो हमने पहले भी देखा था, जो एक्स है कि जो टी समय बाद उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या है वो होनी चाहिए के जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, x is equal to जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आधा, ये होगी हाफ लाइफ, ओके। ये दो चेंजेस हैं, तो इन चेंजेस को हम रिएक्शन में सपोज हमने इसको नंबर दे दिया 1, इस इक्वेशन में हम इन दोनों चीजों को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t हाफ, दिस इज t हाफ is equals to 1 upon k2 and ये जो है इसमें
वन अपॉन के टू, और यहाँ पर जो x है उस x की जगह आ जाएगा a बाई टू, क्योंकि x जैसा हमने देख ही लिया कि x इज इक्वल टू होता है a बाई टू द केस ऑफ ये t हाफ आ जाएगा हमारे पास, और इसको अगर और सॉल्व करके हम देखें तो आ जाएगा 1 बाय सिंपली दिस वन 1 बाय k2। A इनिशियल कंसंट्रेशन ये आ गया हमारे पास T हाफ इज इक्वल टू 1 बाय K2 A। तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम T हाफ को देखें सिंपली T हाफ कहां से है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T half is inversely proportional to when over A। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमें पता चला है, हाफ लाइफ के बारे में, कि हाफ लाइफ जो है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें अलग तरह से बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अलग तरह से बिहेव करता है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अलग तरह से बिहेव करता है। ओके, तो जैसा हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर केस में हमने इसे करेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू किया था, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दिस वन, उसमें हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, पर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें जो हाफ लाइफ है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो यही हाफ लाइफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो भी उसका हाफ लाइफ का इक्वेशन हमारे सामने आता है उसमें सांद्रता का कोई भी टर्म नहीं होता है। दिस वन जो रेडियोएक्टिव डिके था ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही थी, तो इसमें सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि सेकेंड ऑर्डर में हमने देखा कि ये जो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकली ऐसा दिखे कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, तो 100% वो रिएक्शन क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये तरीके होते हैं एक रिएक्शन का ऑर्डर प्राप्त करने के। अब हम जान चुके हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर हमने पढ़ा है, उसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आता है, फोर्थ ऑर्डर आता है, बट जो थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बाद जो रिएक्शन होते हैं थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, वो रिएक्शन की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए सबसे जरूरी होता है कोलिजन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि तीन मॉलिक्यूल्स का एक परफेक्ट ओरिएंटेशन पे, एक परफेक्ट टाइम पे टक्कर होना, तो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाती हैं, तो बहुत ही रेयर है और सामान्य नहीं होती है। इसीलिए सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर के भी कुछ रिएक्शंस जाते हैं, जैसे NO plus O2 से 2NO2 बनता है और FeCl3 SnCl2 की रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शंस हैं बट बहुत ज्यादा कॉमन रिएक्शंस नहीं है वो। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमने कोटीएफ जान लिए, ये जान लिया कि कोटी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एंटिटी है,
अब हम भी देखेंगे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का एक्सपेरिमेंटली कैसे निर्धारण किया जाता है, कैसे हम जाने कि कोई भी रिएक्शन हमें दी गई है उसकी कोटि क्या है। हम उस रिएक्शन को एक पेपर पे देख कर नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या है, ये निकलती है एक्सपेरिमेंटली। तो उसको निकालने के एक्सपेरिमेंटली कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है जिसको हम लगभग जान चुके हैं और जल्दी हमें समझ में आ जाएगा क्या मेथड है, वो मेथड है समाकलन की विधि। समाकलन की तो विधि क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे इंग्लिश में हम। तो जितनी भी ऊपर हमने पढ़ी है विधियां ऊपर वर्णित समाकलित समीकरण जो भी हमने पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, उनमें हम प्रायोगिक मानों को रख करके देखते हैं। लिख लेते हैं ऊपर वर्णित समाकलित समीकरणों में मेथड क्या है, ऊपर वर्णित जितने भी समाकल समीकरण हमने देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं प्रायोगिक मान जो हमारे पास होते हैं उनमें रख रख के देखते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये ध्यान रखना कि दिस इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि हमें तीन समीकरण हमारे पास हैं समाकलन के, ठीक है, उन सभी समाकलन जो समीकरण हैं उनमें हमारे पास क्या चीजें हैं। अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है सपोज या अभिक्रिय कोटि निकालनी है हमें, तो हमारे पास चीजें क्या क्या है उसमें, एक तो टाइम है, एक रेट कांस्टेंट है, एक है ए जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन है, और एक है एक्स जो कि टी टाइम पर कितने मोल उत्पाद में बदल गए उनको बताता है। तो अगर ये क्वांटिटीज हम ये सारे डिजिट्स हमारे पास हैं, हमारे पास समाकलन समीकरण भी है, तो अगर हमारे पास कई सारी ये चीजें हैं जैसे टाइम 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे 5 सेकंड पे 10 सेकंड पर अलग अलग टाइम पे एक्स की वैल्यू, ए तो कंसंट्रेट ए तो जो है इनिशियल कंसंट्रेशन वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा एक्स चेंज होगा, तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उस एक्स को रखेंगे एक की वैल्यू भी पता है। तो तीनों समीकरण में रख के देखेंगे, पहले जीरो ऑर्डर में रखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर में रखेंगे, जिसके लिए वैल्यू कांस्टेंट आती है ना, वही वो उसकी अभिक्रिया की कोटि होगी। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल दे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक रिएक्शन है सपोज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड पेंटॉक्साइड है
इसका डिसोसिएशन। ओके तो ये रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का डिसोसिएशन, तो वो दे रहा है 2NO2+NO2। इसमें अगर हम देखें तो जो वेक समीकरण होगा, वेक नियम से जो रेट एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वेक इज इक्वल टू K1 K1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है हमें, है ना, थियोरेटिकली हम अब बता नहीं पा रहे इसका ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ये दिखाई दे रहा है हमें। एंड NO2 नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाफ O2, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाई दे रही है ना। तो हमारे पास कुछ इसके आंकड़े हैं या कुछ हमारे पास के एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन हैं वो हमारे पास हैं, उसको हम टेबुलेशन कर लेते हैं। यहां मिल गया सपोज टाइम और यहां ले लिया है N25 नाइट्रेट पेंटॉक्साइड के साथ साथ, ये दो चीज हमने ली है। ओके ये टाइम जीरो सबसे पहले इनिशियली, देन सपोज 1 सेकंड में, ये मिनट में, मिनट में ले, जीरो मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, सपोज ये 3 मिनट, दिस इज 4th मिनट। ये रिएक्शन हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल पे किया है, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हमने रिएक्शन शुरू करा देते हैं एक बार, उसके बाद रिएक्शन जो होता है उसको स्क्वीज किया जाता है, एकदम रोक दिया जाता है, वो कई तरीकों से रोका जाता है, कई बार उसको आइस से रोकते हैं, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं एनवायरमेंट को, तो रिएक्शन बिल्कुल स्क्वीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है वहीं पे, कुछ टाइम पर रुक जाता है, उसमें से सैंपल निकाल लेते हैं हम। ये N25 की सांद्रता है सबसे पहले 0.160 सपोज, दूसरा डाटा है हमारे पास 0.113, तीसरा डाटा है हमारे पास 0.080, चौथा है 0.056, तीसरा थ्री, चौथा है 0.040। तो ये हमारे पास 4 डाटा है, ठीक है, ये मोल पर लीटर में सांद्रता है, मोल पर लीटर है। मोल पर लीटर में सांद्रता है हमारे पास N25 पेंटॉक्साइड की, ये क्या होगी 0.160, ये दिख रहा है हमें 0 टाइम पे, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है, तो हम सबसे पहले इसको ट्राई कर रहे हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो समाकलन समीकरण हमारे पास है ऊपर से हम ले लेते हैं वो समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, this is the equation, ये equation है first order की, k1 is equal to 2.303 on t log k upon a minus x,
यहाँ पर ए क्या है, ये सब चीजें हम जानते हैं, है ना। तो अगर इस टेबल से हम देखें तो ए क्या है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कब होगा, जब टाइम जीरो होगा, तो ये 0.160 ये है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया ना। अब हमें क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमें हो गई है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें चाहिए ए माइनस एक्स। तो हम ए माइनस एक्स निकालने के लिए टेबल बनाएंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको सॉल्व थोड़ा हम कर लेंगे तो एक आदत हो जाएगी। सर टेबल बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है और हमें समझ में आता है कि हमारे पास क्या डाटा है और हमें क्या चाहिए। डाटा हमें इससे निकालना है, सवाल हमारा यही हो गया। सवाल सवाल क्या आया, सवाल इस तरह आएगा कि एक रिएक्शन दे दी जाएगी, एक इक्वेशन है, सॉरी एक रिएक्शन है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, तब वेग एक्सप्रेशन दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है ये बताइए। यदि हमारे पास निम्न डाटा है, और डाटा कौन कौन से हैं, टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल है और उस पे N2O5 की कंसंट्रेशन है, हमारे पास सिर्फ यही डाटा होगा, तो हमें इसी से निकालना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा 2.30 डिग्री अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो हमारे पास टी है, टाइम इन्होंने दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ ले लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, चार टाइम हमारे पास हो गए। इन चारों टाइमों पे एक चीज कॉमन है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.160 मोल पर लीटर, तो वो पॉपिट ऑल हो जाएगा, ये हमें पता है कभी। ओके, ये तो होगी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब चूंकि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता लग गई है, तो हमें क्या पता लगा सकते हैं, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स कैसे पता लगाएंगे, ये है ए और टाइम, जो टाइम है उसके बाद मोल प्रोडक्ट में बदल के मोलों की संख्या है वो हमें पता है, वो है 0.113, फिर है 0.080, ये 0.056, ये क्या है, उस टी टाइम पे N2O5 की सांद्रता। तो N2O5 की सांद्रता क्या होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन में से उस पर्टिकुलर टाइम टी पर उत्पाद में बदल के मोलों की संख्या है उसको घटा दिया जाएगा, वही तो होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है एक्स, नंबर ऑफ मोल जो उत्पाद में बदल चुके हैं, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से उस टाइम पे उत्पाद में जितने मोल बदल चुके हैं वो घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और वो क्या है, N2O5 की सांद्रता, रिएक्टेंट तो N2O5 है, तो N2O5 की एक मिनट में सांद्रता क्या है, 0.113 बता रहा है। ये जो ए माइनस एक्स है यहाँ पर यही वैल्यू लिखी जाएगी, ये 0.113 ये माइनस एक्स की वैल्यू है, ऐसे 0.080 ये ए माइनस एक्स की वैल्यू है, 2 मिनट बाद ऐसे ही 0.056 ये भी ए माइनस की वैल्यू है, एंड 0.040 ये भी ए माइनस की वैल्यू है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद हमारे पास रिएक्टेंट की कितने कंसंट्रेशन बची है, ठीक है, वो ये बता रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये क्या है, लॉग, तो हमें निकालना है लॉग किसका, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये भी हम एक टेबल बना लेंगे, इस टेबल में एक जो आना है वो हम इसको डिवोटेड कर देंगे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1510। लॉग बुक आपको दी जाएगी एग्जाम में, ठीक है, लॉग बुक आपको देखना आना चाहिए, कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बट लॉग बुक अलाउड होती है, और लॉग बुक बिल्कुल उतनी ही सरल है जितनी की कंप्यूटर लैपटॉप है या फिर आपका जो कैलकुलेटर है, बस उसको देखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉग ये बन गया, इससे हमने पुट वैल्यू
टी की वैल्यू हमें पता है 1 मिनट है, ई हमें पता है 0.160 है, ए माइनस एक्स पता है हमें 0.113 है, इवन लॉग एफ और ए माइनस बी हमें पता चल गया ये 0.1510 है, इसको 2.30 से मल्टीप्लाई करो और टी से डिवाइड कर दो तो जो आना चाहिए वो होगा के। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया के। अगर के की वैल्यू इसके लिए आती है 0.3478 सपोज, यहाँ आता है 0.3466, यहाँ आता है 0.3499, यहाँ आता है 0.3466, ये वैल्यूज क्या बताती है, ये वैल्यू दिखाती है कि k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है इन जो हमें दी गई इंफॉर्मेशन है ऑब्जर्वेशंस हैं उसको रखने पर एक हेटेड ट्रायल मेथड में, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर जो हमने लिया है इंटीग्रेशन इक्वेशन इसमें रखने पे कांस्टेंट आती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इसकी जगह हम जीरो ऑर्डर वाला लेते समाकलन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लेते और ये रखने पे कांस्टेंट आए तो फिर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हीटेड ट्रायल है, ये करके देखेंगे बार बार तो ये समझ में आ जाए। तो ये पहला है, इस तरह ये जो इक्वेशन है हीटेड ट्रायल मेथड से हमने किया, इससे ये पता चला कि ये जो रिएक्शन है नाइट्रेट पेंटोक्साइड का डिसोसिएशन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या एक चीज नोट करने की N2O5 देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है 0.60, 0.113, 0.080 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एज द रिएक्शन प्रोसीड धीरे धीरे कम होती जाती है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो इसे नोट करने की, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, मेजर क्वेश्चन में आते हैं, मेजर दो पार्टों में उनमें से एक पार्ट ये होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी विधियां पढ़ेंगे। थैंक यू।